हे गाइस, वेलकम बैक टू पूजास फैमिली चैनल एंड आई एम पूजा। सो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ आकांक्षा जस्ट आई थी नहा के, तो दीदी जब नहला देती हैं आकांक्षा को, तो आकांक्षा को मैं लेके आ जाती हूँ और मैं तैयार कर देती हूँ आकांक्षा को। तो एक्चुअली हुआ कि आज आकांक्षा बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। वैसे नहीं रोती हैं, डेली में वो बिल्कुल नहीं रोती हैं। जैसे फेस वगैरह पे साबुन वगैरह लगाते हैं ना, तो आकांक्षा रोने लगती हैं, तो बस आज कुछ वो ज़्यादा ही रो रही थी, तो मैंने उन्हें ज़्यादा तैयार नहीं कर पाई। मीन्स ऐसे किया है, सिंपल सा तैयार, ज़्यादा तैयार नहीं करा मैंने उन्हें, बिकॉज़ वो रो रही थी। फिर मुझे उन्हें फ़ोन भी देना पड़ा, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि वो फ़ोन चला रही हैं और मैं यहाँ पे उनके बाल काटे जा रही हूँ। कपड़े मैंने सिर्फ उन्हें कच्छा और बनियान पहना दिया था। मीन्स अपनी उनकी फ़्रॉक नहीं पहनाई थी, बाद में पहनाऊँगी मैं उनको फ़्रॉक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले उनके काट दे रही हूँ बाल, नहीं तो मैं अदरवाइज सबसे पहले लगाती हूँ पाउडर। आज वो नीचे फेस कर रखा था उन्होंने, तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले उनके बाल ही काट दिए। तो अब मैंने ले लिया है पाउडर, तो बस मैं इनका यहीं पे पाउडर लगा दूँगी उनको। तो बस वो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वो पोयम ज़्यादा ही सुनती हैं, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया, और एक सॉन्ग है गजबर पानी ले चली, वो कुछ ज़्यादा ही सुनती हैं। तो बस यहाँ पे मैं पाउडर निकाल रही थी, पाउडर ही ख़त्म हो गया, तो देन मैं उसके बाद जाती हूँ, दूसरा पाउडर मैं लेके आ गई हूँ, पॉन्स पाउडर लेके आ गई हूँ। बच्चों को तो यही लगा देते हैं, वैसे अदरवाइज़ बच्चों के लिए क्रीम वगैरह वो नहीं लगाती हैं दीदी, यही लगा देती हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं लगा दे रही हूँ काजल। तो आकांक्षा आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे अपने हाथों पे और पैरों पे काजल की बिंदी रखवाने के लिए कह रही हैं। देखो, आप बता रही हैं कि यहाँ रखो मामी, और यहाँ पे भी बताएंगे कि यहाँ रखो। तो बस कुछ इसी तरीके से होता है। तो बस यहाँ पे मैं आकांक्षा की आंखों में लगा दूंगी काजल। तो आकांक्षा आज बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा नहीं तो वो बहुत ही आराम से लगवाती हैं मुझसे हर चीज़। तो यहाँ मैं उन्हें फ़ोन दिखा के मतलब खिला रही हूँ कि मामा आ रहे हैं, उनके भूत आ रहा है, ये सब चीज़ें उन्हें बोलो ना, तो वो तुरंत लगवा लेती हैं। तो यहाँ मैं लगा रही थी, तो बस एक आँख में लगाते ही वो रोने लग जाएंगी। जस्ट मैंने उनकी दूसरी आँख में भी लगा ही दिया है। तो बस अब आप लोगों से आकांक्षा हाय कर रही हैं, सबसे नमस्ते कर रही हैं। आप लोग उनके नमस्ते का रिप्लाई ज़रूर करना गाइस, तो बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उनके नमस्ते का रिप्लाई ज़रूर करना। तो आकांक्षा आप देख ही सकते हो, अब आप लोगों से नमस्ते कर रही हैं और हाय भी करती हैं। तो अब यहाँ बता रही हैं कि नोज़ी कहाँ है, फिंगर कहाँ है, हर चीज़ बता देती हैं कि क्या कहाँ पर है, तो वो हर चीज़ बता देती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, बच्चों को इतना कुछ आना ही चाहिए। यहाँ मैं पूछ रही थी चूड़ी कहाँ पहनते हैं, तो वो बता रही थी काजल कहाँ लगाते हैं, मामी की बिंदी कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें बता देती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। अब आकांक्षा जाने वाली हैं, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि आकांक्षा चली जाएंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा। तो यहाँ आकांक्षा ने पी लिया है अपना दूध, तो उन्होंने रख दिया है अपनी बॉटल रख दी है। तो अब यहाँ पर मैं और आकांक्षा करेंगी थोड़ी सी मस्ती, यानी कि मैं लेट जाऊँगी अभी, तो फिर आकांक्षा तो चलाती रहेंगी फ़ोन। यहाँ मैं थोड़ा आकांक्षा से कह रही हूँ आकांक्षा डांस करो, बट आकांक्षा को पता नहीं क्या होता है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये बात सच है, जब फ़ोन मैं चला लेती हूँ ना, यानी कि जैसे ही मैं फ़ोन ऑन कर देती हूँ, तब वो बिल्कुल मस्ती नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं, और अदरवाइज़ वो बहुत ही मस्ती करती हैं मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं मस्ती करते करते साथ में उनको फ़्रॉक भी पहना दे रही हूँ, ताकि वो रोए ना और अच्छे से फ़्रॉक भी पहन लें। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने पहना दिए हैं उनको अपने उनके कपड़े। मैंने सोचा था कि मैं उनको कुछ और ड्रेस पहनाऊँगी, उनको अच्छे से तैयार करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी, बट क्या हुआ, वो इतना रो ही रही थी, तो फिर मैंने उन्हें वही उनके डेली वेयर के कपड़े जो होते हैं वही पहना दिए। नहीं तो उनका एक गाउन है, मैंने यही सोचा था कि मैं उन्हें उनका गाउन पहना दूँगी, एक फ़्रॉक है उनकी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, तो उनका गाउन है वो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने वही सोचा मैं वही पहनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आकांक्षा से कुछ यहाँ पे मैं आकांक्षा से बात ही कर रही हूँ कि आकांक्षा क्या हो गया, जैसे फ़ोन चलता है ना तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा सीधी बन के बैठ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पे मैं कह रही हूँ नमस्ते करो, नहीं कर रही थी नमस्ते, अब कह रही हैं यहाँ पे चलो, पता नहीं। तो बस यहाँ मैं अब लेट गई हूँ, तो अब देखना यहाँ पे आएंगी वो भी, मैं फ़ोन ले लूँगी उनसे, तो वो भी आ जाएंगी, यहाँ पे लेट जाएंगी, और आप लोग देख ही सकते हैं कैसे फ़ोन चला रही हैं, मतलब उन्हें फ़ोन चलाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब वो भी लेट जाएंगी यहाँ पे। देख ही सकते हो आप लोग कितनी मस्ती करते रहते हैं हम लोग मिलके, दोनों जने, मामी और बांझी। तो यहाँ पे मैं आकांक्षा से ये कर रही हूँ कि आकांक्षा पता है ऐसे करते हैं, यानी कि मुंडी को नीचे कर लेती हैं और क्या बोलते हैं अपने बैक को ऊपर कर लेती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ऐसे करती हैं, और फिर मतलब बच्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे करते ही हैं, मज़े लेते हैं, पीछे से उल्टा होकर देखते हैं, तो मैं उनसे वही कर रही थी कि आकांक्षा वही करके दिखाओ। तो आकांक्षा कह रही थी चलो अब चलते हैं मामी।
यहाँ पे वो मुझे लेके जा रही हैं अब मेरे रूम में, कह रही थी चलो वहाँ पे उस वाले कमरे में, वो मम्मी के कमरे में ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती हैं, मेरे कमरे में ही ज़्यादा जाती हैं, तो बस यहाँ पे वो आ ही रही थी कि चलो मामी मम्मी वो यहाँ पे उनकी मॉम बैठी थी इसलिए वो कह रहे थे कि चलो यहाँ पे चलते हैं। तो बस हम लोग उनकी समझ जाते हैं कि वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं हम लोग समझ जाते हैं। तो बस चलो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मैं आज बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मसाले वाली भिंडी। तो चलो मैंने सोचा मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर ही कर दूं। सो गाइस आज कुछ कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी लग रही है, मुझे कुछ लग रहा था कि हाँ थोड़ा हल्का हल्का ब्लड सा आया है, पूरा क्लियरिटी नहीं आई है, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कैमरे पे मेरे कुछ हो गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बता दूँ, यहाँ पे मैंने ऑयल डालने के बाद जीरा डाल दिया है, जीरा मेरा चटक चुका था तो यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया है, यानी कि प्याज के पेस्ट में, प्याज का पेस्ट बना लिया था मैंने, तो प्याज के पेस्ट में मैंने यहाँ पे चार चीज़ें वही धनिया नमक मिर्च ऐड कर दी है, धनिया नमक मिर्च और हल्दी चार चीज़, और मेरा जो मसाला है वो किनारे किनारे से ऑयल छोड़ चुका था, तो देन उसके बाद मैंने यहाँ पे भिंडी अपनी डाल दी है। भिंडी को मैं अच्छे से चलाने के बाद मैं इसे अच्छे से ढक दूंगी, यानी कि 10 मिनट यानी 5-10 मिनट के लिए ढक के इसे अच्छे से पकाऊंगी, बिल्कुल धीमी गैस पे, बहुत ही धीमी गैस पे। सो गाइज यहाँ पे मेरे कैमरे पे पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ लग गया था पानी वगैरह से, तो थोड़ा हल्का हल्का ब्लर सा आया है आज, पूरी वीडियो ब्लर सी आई है, मतलब जो मैंने रेसिपी शेयर की है वो मुझे ब्लर सा लग रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने वो पहले देखा था तो यहाँ पे मेरी बन गई थी भिंडी, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, और आमचूर पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ मेरी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो चलो यहाँ मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद इसे 2 मिनट बाद अच्छे से सर्व कर लूँगी, यानी कि ढक के आमचूर जो पाउडर है जो गल जाए अच्छे से, सब में मिक्स हो जाए, इसलिए मैं ढक रही हूँ। तो जब मैं भिंडी बना रही थी तो मेरी जो दूसरी गैस है वहाँ मेरी दाल बन रही थी, यानी कि उड़द की दाल, आप लोग देख ही सकते हो वहाँ मम्मी उड़द की दाल में नमक कम था तो मम्मी वहाँ पर नमक ऐड कर रही हैं। यहाँ मैं भिंडी अपनी निकाल रही हूँ, भिंडी सर्व कर रही हूँ, और साइड में मेरा यहाँ पर दूध रखा है बच्चों का, यहाँ मैंने दूध बच्चों का गर्म कर ही दिया है। तो चलो मेरा अब मैंने यहाँ पे अपने चलो बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो ये मेरे जो बर्तन थे ये नाइट के बर्तन थे, मीन्स जब रोटी वगैरह बन जाती है सारी तब के बर्तन थे, तो यहाँ पे मैं जल्दी फटाफट उन्हें फटाक से वॉश कर ले रही हूँ अपने सारे बर्तन। आप लोग देख ही सकते हो कैमरे में कुछ हल्का हल्का ब्लर सा लग रहा है मुझे आज लग रहा है, सो गाइस इस चीज़ को माइंड मत करना आप लोग। मैंने वीडियो बना ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर ही दूं यार, और आप लोगों को बता भी दूं ये कुछ हल्का फुल्का क्या मे भी मुझे तो ज़्यादा। सो बस यहाँ पे मैंने अपने बर्तन धुल ही लिए हैं, यानी कि मांज लिए थे, तो अब मैं धुल ले रही हूँ यहाँ पे, साबुन से मैंने धुल लिए थे तो अब मैं यहाँ पानी से वॉश कर ले रही हूँ अपने बर्तनों को। यहाँ मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फ़ास्ट फॉरवर्ड करना, जब बर्तन धुलते समय और रोटी बनाते समय मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं धुल ले रही हूँ बच्चों की बोतलें, यानी कि अब बच्चों के लिए शाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, शाम के लिए रख देते हैं धुल के बच्चों की बोतलें। ऐसा होता है बच्चे जब एक बार पीते हैं ना तो डेली हमेशा हम लोग बोतल धुल के ही दूसरी बार पिलाते हैं बच्चों को। तो बस यहाँ मैं फटाफट धुल ले रही हूँ बच्चों की बोतलें, उसके थोड़ी देर बाद मैं वॉश कर लूँगी अपना तवा, तवा भी मेरे रखा ही है वहाँ पे। तो यहाँ मेरा तवा भी मैंने वॉश कर लिया था अपना, तो चलो अब मांज लेते हैं अपनी सिंक को मैं अच्छे से धुल ले रही हूँ। सो गाइस चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ गाइस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर ही पहुँच जाए। सो गाइस ये मेरा काम हो चुका था, मीन्स बर्तन वगैरह सब चीज़ वॉश हो चुके थे और सारा किचन का काम हो गया था, रोटियाँ वगैरह मैंने बना ली थी आप लोग देख ही सकते हो, और किचन को मैंने साफ भी कर दिया था, आप लोग देख सकते हो प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ ही है। सो गाइस फाइनली हो चुकी है मेरी किचन की सफाई, बना ली है मैंने रोटी नाम, तो चलो देख लो आप लोग भी, कर ली है मैंने सफाई, जहाँ मेरा दूध खुलाया रख देती हूँ, बच्चों का दूध बॉइल करके रख देते हैं ठंडा हो जाए। सो गाइस चलो कर लेते हैं अपने ब्लॉग का एंड। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग वीडियो पे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जरूर करें, और अपने नीचे जो रेड कलर का जो आ रहा है ऑप्शन उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँच जाए। सो गाइस चलो बाय बाय, लव यू ऑल।